बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अदनान अली, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ऑफ़ केमिस्ट्री इन सुपीरियर कॉलेज मंडी बहाउद्दीन। आज हम लोग सुपीरियर कॉलेज मंडी बहाउद्दीन की तरफ से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे पहला लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट। और इस बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज, और वो हमारे पास क्या है, एटम। एटम की बात करें तो हमने एटम, जब भी हम कोई नया टॉपिक डिस्कस करते हैं तो हम उसकी अर्ली हिस्ट्री को सबसे पहले स्टडी करते हैं कि इसके बारे में सबसे पहले क्या कहा जाता है। अर्ली हिस्ट्री के मुताबिक हमारे पास ग्रीक फिलासफर्स थे जिन्होंने ये कहा था, ग्रीक फिलासफर्स, और उन ग्रीक फिलासफर्स में हमारे पास जो नेम आता है वो हमारे पास है डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस के मुताबिक हमारे पास जो मैटर होता है, मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल्स। अब पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज मैटर। मैटर को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हम मैटर को डिफाइन करने के बाद हम बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलासफर्स मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल्स दैट इज नोन एज एटम। बट ये वर्ड एटम आया कहाँ से? अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटस एक वर्ड, ग्रीक वर्ड था एटमॉस, जिसका हमारे पास मीनिंग लिया जाए तो हमारे पास क्या होता है, इंडिविजिबल पार्टिकल। और इंडिविजिबल पार्टिकल को डेमोक्रेटस ने नेम दिया किसका, एटम का। बात यह है कि जो साइंस है वो बेस करती है एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पे, बट ये जो हमारे पास सारी की सारी बातें हैं ये किस बेस पे है, जस्ट ये हमारे पास फिलॉसफी है, ये कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस नहीं है, जिसकी वजह से इसको ज्यादा फुकियत हासिल ना हो पाई। अब टाइम गुजरता गया, टाइम गुजरने के बाद हमारे पास इन 1808 एक इंग्लिश केमिस्ट था जिसका नेम हमारे पास इंग्लिश केमिस्ट, जिसका नेम हमारे पास है जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्वांटिटेटिव स्टडी करते हुए ऑन द बेसिस ऑफ टू लॉस, और वो टू लॉस हमारे पास क्या है, एक हमारे पास लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, और सेकंड लॉ हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर? सेम लाइक दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिस हम एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि एनर्जी ना इधर भी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब उस वर्ड एनर्जी की जगह पे हमने लगा देना है मैटर। हम डिफाइन कर सकते हैं मैटर ना इधर भी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब हमारे पास देखें तो मैटर की स्टेट्स हैं, गैसेस हैं, लिक्विड्स हैं, सॉलिड्स हैं, और हमें क्या बताता है कि गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स, लिक्विड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड्स। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक केमिकल रिएक्शंस की बेस पे हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, वो हमारे पास कुछ इस तरह से, एक वेरी सिंपल मैं रिएक्शन लिखने लगा हूँ। मेरे पास रिएक्शन है H2+O2 reversible reaction to form H2O, that is not a balanced chemical equation। हम इस equation के मुताबिक दोनों laws को explain कर सकते हैं। पहले तो हम इस equation को balance करेंगे कि जितने हमारे पास atoms reactant में हैं उतने ही products में होने चाहिए। अब इनमें reactants क्या हैं, जो left side पे हैं वो reactants हैं, जो आपको right side पे नज़र आ रहे हैं वो हमारे पास products हैं।
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किसके लिए हमारे पास एप्लीकेबल है? फॉर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमें बताता है कि अगर हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन हो और 1 मोल ऑक्सीजन हो तो हमारे पास 2 मोल वाटर बनता है। दैट इज कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, सेम लाइक दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेम लाइक दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन है तो ये कितना हमारे पास बनेगा? 4 ग्राम हाइड्रोजन बनेगा। प्लस अगर हम बात करें इसके ऑक्सीजन के 2 एटम हैं तो हमारे पास 1 एटम का ऑक्सीजन का मैस होता है 16 × 2 = 32 ग्राम। और हमारे पास इस तरफ आए तो 1 मोल वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो हमारे पास 18 होता है, और 2 मोल के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाएगा 36 ग्राम। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर हमारे पास इतने ग्राम हमारे पास रिएक्टेंट की मास है और उतने ही हमारे पास इक्वल मास किसकी है? प्रोडक्ट की है। और उसके साथ साथ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात करें तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल हाइड्रोजन है और उसके साथ 1 मोल ऑक्सीजन है जो मिलके हमारे पास क्या बना रहा है? 2 मोल प्रोडक्ट बना रहा है। अगर हम कह दें कि अगर इसका 1 मोल है तो हाइड्रोजन का भी 1 मोल होता तो हमारे पास क्या 1 मोल वाटर बनना पॉसिबल है? नो, इट इज नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो ये दोनों के दोनों लॉज एक्सप्लेन कर देते हैं इन दोनों क्वेश्चन के, हाउ एटम्स कंबाइन टू इच अदर टू फॉर्म कंपाउंड एंड हाउ कंपाउंड इज ब्रोकन इन टू देयर एटम्स। अब हम बात करते हैं जॉन डाल्टन के मुताबिक। जॉन डाल्टन ने एक थीरी पेश की थी जिसको हम कहते हैं एटॉमिक थीरी। ये पेपर में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है इसके मुतल्लिक, व्हाट इज एटॉमिक थीरी, और दूसरा किस तरह से क्वेश्चन हमारे पास आया है, व्हाट इज द मेन पास्टुलेट ऑफ एटॉमिक थीरी। और इसका मेन पास्टुलेट क्या है? वेरी सिंपल, इन वेरी शॉर्ट वर्ड्स, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टिनी पार्टिकल्स ऑफ एनेटम्स, या जो हमारी किताब पे वर्डिंग लिखी हुई है वो हमारे पास क्या है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एनेटम्स। ये हमारे पास क्या है? एटॉमिक थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन हमारे पास एक मॉडर्न डेफिनेशन दी गई है। किसकी डेफिनेशन है? हमारे पास एटम की, जो हमारे पास अभी तक स्टडी की जाती है। अब अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन एटम को डिफाइन किया गया कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास वेरी सिंपल डेफिनेशन है। एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। हम लोग एक और तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, और वो हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स which can be exist independently or nor independently। यहाँ पे हमारे पास देखें 2 तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। एक हमारे पास है independently, दूसरा हमारे पास है नॉर इंडिपेंडेंटली। अगर हम लोग डिस्कस करें पहले किसको, इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली कुछ एटम्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब है जो किसी पे इन्हसार नहीं करते। अब वो कौन से एलिमेंट्स हैं,
उनकी अगर हम बात करें तो वो हमारे पास हैं फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में एग्जांपल देनी हो तो हमें पता चल जाता है हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ईटीसी। बात ये है कि ये एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ये एटम्स वो हैं जिनके कंप्लीट वैलेंस शेल हैं और ये ओबे कर रहे होते हैं डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को। ना तो इनको इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत होती है, ना इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत होती है, और ना ही इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल, दे आर लीस्ट रिएक्टिव, सो दे कैन बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो किसी पे इन्हसार नहीं करते। बाकी हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कौन से हैं जो नॉर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, दैट मीन्स कि जो किसी पे इन्हसार करते हैं, मतलब खुद को स्टेबल करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या इलेक्ट्रॉन लेंगे या इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अब वो हमारे पास कौन से हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकता है, हमारे पास कार्बन हो सकता है, हमारे पास नाइट्रोजन हो सकता है। इन केस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये हमारे पास सारे के सारे कौन से होंगे, नॉन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे।